अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज क्लियर है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम, क्लियर है आपकी आवाज़? सर ओके, तो आज हम एक सर नैन अली, उनकी इनवाइट करेंगे जिन्होंने रिसेंटली डुलिंगो का टेस्ट दिया है। उन्होंने इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ऐड किए हैं, 145 मार्क्स हैं इनके डुलिंगो में। तो आज हम उनसे सीखेंगे कि उन्होंने कैसे ये टेस्ट अडेप्ट किया, या उन्होंने कैसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज की, या ऐसी कौन सा मटेरियल, या सर उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की जो उनका इतना अच्छा स्कोर आया है, ताकि हम भी अपना तरह स्कोर को इंक्रीज कर सकें। तो सर हुसैन, आप यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं? वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक सलाम, वेलकम सर। यू। अच्छा, तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर लूँ? ऑल जी जी सर, श्योर। राइट, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, तो मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी सर, विजिबल है। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के बारे में। सो वैसे ये डुओलिंगो की क्लास है, लेकिन इसके बारे में तो सबको पता होगा कि ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, और जैसे आइल्स होता है, टोफिल होता है, तो उसी तरह का ये एक टेस्ट है। बस ये थोड़ा काफ़ी चीपर है और बहुत 1 आवर का होता है ये। तो अगर इसकी कुछ हम इंफॉर्मेशन देखें तो ये $60 का टेस्ट है, और उसकी वैलिडिटी भी 2 ईयर्स तक होती है। टेस्ट ड्यूरेशन 1 घंटे तक का होता है, और जब हम रजिस्टर कर लेते हैं तो रजिस्टर करने के 21 डेज़ के अंदर अंदर आप कहीं भी और कभी भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्कोरिंग क्राइटेरिया इसका 10 से लेके 160 तक होता है, और जो 160 हाइस्ट बैंड होता है इसका, जैसे आइल्स में 9 होता है तो वो हाइस्ट होता है, तो ये 160 उसी के इक्विवेलेंट है। और सेंडिंग स्कोर्स इसके अंदर ये है, बहुत अच्छी चीज़ है कि टोफिल में हमें अगर स्कोर सेंड करने पड़ते हैं तो हमें उसकी फ़ी पे करनी पड़ती है, लेकिन एक दफ़ा ये है कि अगर आप एक दफ़ा डुओलिंगो को अटेम्प्ट कर लें देन आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को अपना स्कोर भेज सकते हैं जितनी भी दफ़ा आप चाहें, और ये अनलिमिटेड फ्री स्कोर, तो ये बहुत इसका अच्छा फीचर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वीडियो ऐड की थी, वो विजिबल क्यों नहीं? अच्छा हाँ, तो मैंने स्टार्ट करने से पहले आई वॉज थिंकिंग कि एक हम लोग जो एक्चुअल टेस्ट है उसका एक वॉक थ्रू कर लें, और ताकि जो नया फॉर्मेट है उसमें जो जो नए नए क्वेश्चन हैं हम उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लें, कि हर क्वेश्चन को हमें किस तरह, क्वेश्चन टाइप भी डिस्कस कर लेंगे, एंड देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, पूरी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगी देन उसको एंड में मैं क्वेश्चन ले लूँगा आप लोगों के, तो उस स्टार्ट करते हैं इसका वॉक थ्रू। अच्छा, जो उसका पहला सेक्शन होता है वो रीड एंड सेलेक्ट होता है। अगर आप में से काफ़ी लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे तो उसका जो सबसे पहला सेक्शन आएगा वो रीड एंड सेलेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है कि आपको एक वर्ड मिलता है एंड आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड्स होते हैं। 5 सेकेंड्स में आपको बताना होता है कि ये जो वर्ड है ये एक्चुअल इंग्लिश वर्ड है या नहीं है। अब देखें, जैसे आपके पास टाइम बहुत कम है तो इसके अंदर आपके पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं होता, और वैसे भी सिर्फ 2 ऑप्शन है, येस और नो, तो 50-50 चांस होता है आपका आंसर करेक्ट होने का नहीं। तो जो भी आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट हो ना कि ये एक्चुअल इंग्लिश वर्ड है, तो आप उसको ही सेलेक्ट कर लें क्योंकि इसमें सोचने का टाइम नहीं है। एक और इसमें अच्छी टिप यह होती है कि सिर्फ उसी वर्ड पर आप येस क्लिक करें जो एक्चुअल आपने देखा हो, यूज़ किया हो, कहीं सुना हो या कहीं पढ़ा हो, क्योंकि मोस्टली इसमें कॉमन वर्ड्स ही होते हैं। जो येस वाले वर्ड्स आते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मेजॉरिटी एवरेज जो इंग्लिश बोलने वाला इंसान होता है उसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी उन वर्ड्स से को देखा होता है, तो यूज़ किया होता है, तो पढ़ा होता है, तो सुना होता है। तो सिर्फ उन्हीं वर्ड्स पे आप येस करेंगे जो आपने एक्चुअल में यूज़ किए हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिस पे आप 50-50 है ना कि शायद हो भी सकता है नहीं भी, अब नो कर दें उसको डायरेक्टली, ठीक है? तो ये सबसे अच्छी इस क्वेश्चन में टिप है, और इसमें कुछ ये रीड एंड सेलेक्ट जैसे, हाँ, अब इसके जो भी वर्ड्स होते हैं ना वो काफ़ी सिमिलर वर्ड्स होते हैं जैसे हमें लगता है वो एक्चुअल इंग्लिश, लेकिन आपने उसको कहीं अपनी लाइफ में नहीं देखा उस वर्ड को कभी, तो आप उसमें डायरेक्टली नो करें, ज़्यादा सोचने का टाइम है भी नहीं। और कोशिश करें कि आप कोई क्वेश्चन मिस ना करें, कि अगर इवन ये होता है ना कि आप सोच रहे होते हैं और वो 5 सेकेंड्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं तो वो आपका आंसर मिस हो जाता है। आप एक्चुअल ट्राई करें कि 50% चांस है कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा सेक्शन था रीड एंड सेलेक्ट, वो
रिलेटिवली थोड़ा काफ़ी इजी सेक्शन होता है। देन उसके बाद सेक्शन होता है रीड एंड कंप्लीट। तो इस सेक्शन के अंदर हम लोग को एक सेंटेंस हम लोगों को एक सेंटेंस दिया जाता है, और उस सेंटेंस के शुरू का, अब आप उस सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे। जैसे इस वाले सेंटेंस को हम देखते हैं, डिस्पाइट बीइंग अ टिपिकली डैश लाइब्रेरी द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉट एक्सेसिवली लाउड एंड डिसरप्टेड। इवन अगर ये क्यू और यू ये वर्ड नहीं भी दिया जाता ना, तो भी अगर हम इसको क्वेश्चन इस सेंटेंस को देखें तो हम गेस कर सकते हैं कि लाइब्रेरी इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से कि इस ब्लैंक में क्या वर्ड आया जाएगा। तो रिलेटिवली ये वाला जो सेक्शन है वो भी काफ़ी इजी होता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं उन्हीं को आप ज़्यादा अटेम्प्ट करें। तो एंड मैंने ये भी देखा था कि काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होता एंड ये इजीली कर लेते हैं। तो ये दो सेक्शन थे, रीड एंड सेलेक्ट हो गया, रीड एंड कंप्लीट हो गया। अब इसका जो थर्ड हमारा क्वेश्चन होता है वो लिसनिंग का होता है कि एक ऑडियो क्लिप प्ले करते हैं हम, एंड उसमें हमें टाइप करके लिखना होता है। अब इसमें ये होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, इसमें आपका 1 ही मिनट होता है, तो जब आप फर्स्ट टाइम उसको सुने तो जो भी आपने वर्ड्स एक तो बहुत गौर से सुने फर्स्ट टाइम उस रिकॉर्डिंग को, कि आपके पास ऐसे सोचें कि आपके पास सिर्फ एक ही चांस है उसको सुनकर लिखने का। फर्स्ट टाइम उसको सुने और जो जो आपको वर्ड्स आ गए हैं उनको टाइप कर लें। इवन अगर एक दो वर्ड्स मिस भी हो गए तो आप उनको रहने दें, जो जो आपने सुना है उस वर्ड से आप सेंटेंस को आप टाइप कर सकते हैं, उसको टाइप कर लें। देन आप दूसरी दफ़ा उसको सुने, फिर जो आपके वर्ड्स मिसिंग मिस हो गए उन वर्ड्स पे थोड़ा ज़्यादा गौर करें एंड उनको फिल इन करने की कोशिश करें। और जो थर्ड वाली अटेम्प्ट होती है वो एक तरह से वेरिफिकेशन के लिए होता है कि जो आपने क्या नाम है सेंटेंस टाइप किया है एक्चुअल में क्या वही है उस क्लिप के अंदर, और कोई अगर छोटे मोटे एरर्स होते हैं तो आप रिजॉल्व कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि इसमें सिर्फ 3 ही चांसेस होते हैं और 1 मिनट का टाइम होता है, तो फर्स्ट में ही आप बहुत गौर से सुने क्लिप को। The use of recycled materials during the manufacturing process. इसमें आपकी थोड़ी टाइपिंग स्पीड भी थोड़ी तेज होनी चाहिए, और जैसे वो सेंटेंस बोल ही रहा था इन्होंने देखें टाइप करना स्टार्ट करें, तो यही प्रैक्टिस रखें कि आप सेंटेंस सुने, आप साथ नहीं टाइप कर सकते तो पहले आप एक्चुअल में उसको सुन लें और अपनी मेमोरी में जहन में रखें क्या क्या वर्ड्स थे एंड उसको टाइप करना स्टार्ट करें। Excuse me, sir. हेलो, यस, सर ये YouTube वीडियो की ना ऑडियो जो है वो आप म्यूट कर दें, वो फिर आपकी आवाज़ और वो मिक्स हो जाती है। अच्छा, ऑल राइट, चलें सही, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया, इसमें लिसन एंड राइट वाला पार्ट होता है, तो इसमें हमारी लिसनिंग एबिलिटी एंड राइटिंग एबिलिटी वो टेस्ट भी होती है कि हम सर कैसे। इसको सारे जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं ये फ्री होते हैं, अगर हम तीनों को प्ले करते हैं तो इसमें तो कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, जैसे कि जितने आपकी प्लेयर हैं आपकी उनमें आवाज़ सारे। कट रही है, कौन क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था सर कि इसमें जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं ये फ्री टाइम है, अगर इसको हम तीनों के पास सुनो कि फिर सरफाक आप हम। चैट में अपना क्वेश्चन लिख दें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही से। ओके सर, नहीं, मैं क्वेश्चंस ना एंड में आंसर कर लूँगा, इसको हम फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जो सेकंड वाला हमारा ये होता है, इसमें ये वाला देखें, इसमें ना कभी शुरू में तो वर्ड्स छोटे होंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है आप 4 या 5 दफ़ा देखेंगे एक्चुअल टेस्ट के अंदर, तो शुरू में सेंटेंसेस छोटे होते हैं लेकिन आगे जाके ना थोड़े बड़े और बड़े वर्ड्स वाले सेंटेंस होते हैं। तो उसमें 20 सेकेंड्स मुझे तो काफ़ी उसमें मसला होता है, काफ़ी कम लगते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम जब आपको ये नज़र आए तो सबसे पहले आप रिकॉर्ड नाउ करने से पहले खुद से उसको पढ़ें, या जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया तो पहले पढ़ लेंगे उसको खुद से अपनी पास के दे हेल्प स्टूडेंट्स रिसर्चर्स अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स फॉर अ सब्जेक्ट। क्योंकि कभी कभी होता है आप डायरेक्टली अगर रिकॉर्ड ना पे स्टार्ट कर देंगे आप कभी अटक जाते हैं, कोई मुश्किल वर्ड आ जाता है उसको प्रोनाउंस करने में मुश्किल होता है, तो इसलिए क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही चांस होता है रिकॉर्ड करने का। तो पहले उसको एक दफ़ा आप खुद से पढ़ लें कि सारे वर्ड्स का आपको पता हो, एंड देन रिकॉर्ड नाउ पर क्लिक करें एंड उसको फिर सबमिट करें। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि टाइम आप देखते रहें कि 20 सेकेंड्स होते हैं, 20 सेकेंड बाद ना अगर आपका रिकॉर्डिंग चली जाएगी तो वो बीच में ट्रंकेट हो जाती है।
सही है। अब ये भी उसी तरह का सेंटेंस है, रीड एंड कंप्लीट की तरह, लेकिन इसमें सेंटेंस की जगह पैराग्राफ होता है। अब इसके अंदर मेरे पास जो एक्चुअल टेस्ट में भी आता, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है ये वाले जो पैराग्राफ्स होते हैं ना, लेकिन उससे आप अगर एक दो वर्ड्स आपको नहीं भी आ रहे ना, तो आप उनको फौरन स्किप करें और जो वर्ड्स आपको आ रहे हैं उनको कंप्लीट करने पर फोकस करें। जैसे इसमें भी मैंने जब भी दो अटेम्प्ट किया था ना, तो ये जो लिखा हुआ, ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट आफ्टर वर्ड्स इट वुड, अब इसमें कोलाइड लग रहा है, IDE, लेकिन कोलाइड नहीं है। तो अगर ये वर्ड आपको नहीं आ रहा, इसको आप डायरेक्टली स्किप करें और जो जो वर्ड्स आप फिल कर सकते हैं उनको करें, क्योंकि मैक्सिमम आप जितने करेक्ट करेंगे उस हिसाब से उसकी ग्रेडिंग होती है। अच्छा, जब आपको ये वाला क्वेश्चन नज़र आए, तो सबसे पहले इसकी जो हेडिंग होती है, ज़रूर इसकी हेडिंग पढ़ें, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट समझ आए कि जो पैराग्राफ है इसका एक्चुअल टॉपिक क्या है, ये किस बारे में। मोस्टली मैंने जो एक दो पैराग्राफ जो मेरे पास एक्चुअल टेस्ट में भी आए थे, तो जो उसकी हेडिंग थी ना, उसी के हेडिंग के ही एक दो वर्ड्स अंदर उन्होंने पूछे हुए थे। तो हेडिंग ज़रूर पढ़ें इसकी। हेडिंग पढ़ने के बाद जो आप इसका पैराग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे, तो पैराग्राफ को भी एक्चुअल आप समझते रहें, क्योंकि ज़्यादातर होता ही है कि जो पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में कोई वर्ड यूज़ किया हुआ होता है, नीचे जाके उसी वर्ड को एज अ ब्लैंक भी उन्होंने यूज़ किया हुआ होता है। तो ज़्यादातर आपके जो वर्ड्स होंगे ना, वो बहुत इसको कॉन्सेंट्रेटली पढ़ने से ही कवर हो जाएंगे। एंड ये जैसे ऑल्सो, तो ये जो ऑल्सो, मोर ओवर, मस्ट, नाउ, नाउ करके भी, इस तरह के जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, ये तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आते हैं, इन, इट, ऑल्सो, तो ये वाले वर्ड्स तो आप इजीली कर ही लेंगे कवर। तो इन वर्ड्स को आप जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सोच रहे हो कोई बहुत ही मुश्किल वर्ड आएगा। इसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं ज़्यादा जो बहुत हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ज़्यादा इसमें मुश्किल वोकेबलरी को ये लोग नहीं देख क्या नाम है कुछ आंसर्स में देते हैं। तो बहुत इजी वर्ड्स ही होते हैं जो हमने यूज़ किए हुए होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये पिक्चर थोड़ी सी जूम इन हो सकती है? स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पिक्सल्स थोड़े से लो हैं तो उनको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। मैंने टैब तो शेयर किया हुआ है, तो मैं फिर विंडो शेयर करता हूँ, नहीं सॉरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर विंडो प्लस करके अगर वो करें तो जूम हो जाएगा थोड़ा सा, मे बी उससे थोड़ा सा। नहीं, वो फिर वो नहीं, वो टैब में शेयरिंग हो रही है ना, तो मैं तो कर रहा हूँ। अभी भी वैसे स्क्रीन शेयर किया ना, यस सर, आपकी स्क्रीन शेयर है। बेटर इतना ही होगा, फिर वो प्लेयर होगा, या तो मैं यहाँ से जैसे प्रेजेंट करूँगा, कौन सा, 1 मिनट पर। अच्छा, तो वो वाला कौन सा था, अभी हमने ये पैराग्राफ वाला डिस्कस कर लिया था। तो इसमें देखें, इसमें अगर एक दो वर्ड्स आपसे मिस हो भी जाते हैं ना, मुझे भी याद है एक्चुअल टेस्ट में ना दो तीन वर्ड्स मुझे नहीं आ रहे थे, तो आप उस पर आप एंशियस होने के बजाय आप जो आपको वर्ड्स आ रहे हैं उन पर फोकस करें और मैक्सिमम सारे वर्ड्स करने की कोशिश करें। इवन अगर नहीं भी आ रहा तो हाफ फिल कर दें, जैसे इन्होंने भी इनको कोलाइट ही लिखा है, इन्होंने आगे नहीं लिखा, तो जितना भी आपको आ रहा है उसको मैक्सिमम फिल इन करने की कोशिश करें। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेट 6 या 6 या 7 मिनट होते हैं, और 6 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन के जो आखिरी अभी हम डिस्कस करेंगे, तो जो शुरू के क्वेश्चन पे शायद आपको ज़्यादा टाइम लगे और उसमें आप ज़्यादा टाइम लगाएं, क्योंकि वो आप बैक नहीं आ सकते। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अभी अगर जो इसका आखिरी वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहूँगा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप मैक्सिमम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं, क्योंकि इसमें आप गलतियाँ कर सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे अच्छी ट्रिक ये होती है कि ऑप्शंस देखने से पहले ना आप खुद से सोचें कि इधर आएगा क्या, बिना ऑप्शन देखने से पहले गैस करें कि उस ब्लैंक में क्या आएगा, देन उसके बाद ऑप्शंस देखें, क्योंकि उनके ऑप्शन थोड़ी ट्रिकी होते हैं। अगर आप ऑप्शंस ही देखेंगे और हर सेंटेंस को चेक करते रहेंगे कि इधर ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो उसमें गलती करने का ज़्यादा चांस होता है। आप पहले खुद से गैस करें कि इधर इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ड आएगा, एंड देन अपने ऑप्शंस को चेक करें, फिर वो मोस्टली वो वर्ड मिल जाता है।
और फिर उसको सॉल्व करें। अभी इवन अगर इसको हम ऑप्शन देखने के पहले ही अगर मैं इसको देखता ना तो वो याद है एज द नेम सजेस्ट, तो उन्होंने डायरेक्ट ना सजेस्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब इसमें एक आप ग्रामर का भी ध्यान रख सकते हैं कि इसमें अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो ये इम्प्लाइड पास्ट में नहीं जा सकते हम, तो इसमें काफ़ी चीज़ें जो ट्रिक्स होती हैं जिनको आप यूज़ करके क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अच्छा ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या होता है कि वो जो हमने सेलेक्ट किए होते हैं ना तो वो हमें आंसर्स भी इधर नज़र आने लग जाते हैं कि हमने क्या गलत किया है क्या सही किया, वो हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा और उसके बाद हमें एक नीचे आंसर नज़र आएगा। अब आपने उसको अपने जो एक्चुअल फर्स्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ें और फिर नीचे वाले पैराग्राफ को पढ़ें और फिर सोचें कि ये जो पैराग्राफ है इसके बीच में क्या इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग है, जो जिस को ऐड करने के बाद से मेरे लिए इसमें भी वही चीज़ रहेगी कि आप ऑप्शंस बाद में देखें, पहले उसको पढ़ें खुद से गैस करें कि क्या इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए देन ऑप्शंस को देखें। अब जैसे इसमें था सम बिजनेस डोंट हैव द मनी टू लेवरेज ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेनिंग व्हिच इज व्हाई दे रिसोर्ट टू हायरिंग अ ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंट। अब इसमें कुछ आएगा ब्लैंक स्पेस, देयर दीज आर जस्ट मैनी जस्ट सम ऑफ द मैनी वेज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैन हेल्प बिजनेसेस ग्रो थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इसने लिखा दीज आर जस्ट सम ऑफ द मैनी वेज, मतलब इससे ऊपर कोई एक ऐसा इसने वे एक्सप्लेन किया होगा डिस्क्राइब किया होगा जिसके बारे में ये जिसको रेफर करके ये बात कर रहा है, तो इसमें हम फिर हम इसके ऑप्शन की साइड पर जाएंगे कि इसमें क्या ऑप्शन आना चाहिए। अब इसमें देखें टू पास द पर्सनैलिटी टेस्ट कैंडिडेट्स, अब इन्होंने क्या बात कैंडिडेट्स नीड टू बी एबल टू एक्सप्रेस द पर्सनैलिटी टू द कंपनी सो द कंपनी पुट अ जॉब एड ऑन द इंटरव्यू, मतलब ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट बात कर रहा है। अब हम इसी तरह सारे क्वेश्चंस को ऑप्शंस को देखेंगे फिर जो हमें बेस्ट लगेगा तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अब वो तीन क्वेश्चंस होगा। अब जो चौथा क्वेश्चन होता है उसमें इसमें एक हम इससे क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर पैसेज में ही मौजूद होता है और हमें इसको हाईलाइट करना होता है कि कौन सा क्या नाम है सेंटेंस है वो इसका आंसर होना चाहिए। तो इस ये वाला तो बहुत रिलेटिवली इजी होता है क्वेश्चन, व्हाई वुड अ बिजनेस नीड अ ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंट, तो इसका आंसर इस पैसेज में मौजूद होता है। अब जो आप हाईलाइट करेंगे ना तो उसमें कोशिश किया करें कि जो उसका एक्चुअल आंसर हो सिर्फ उसी को हाईलाइट करें, एक्स्ट्रा चीज़ें हाईलाइट नहीं करें कि आप ये इसको विच के आगे से हाईलाइट करते हैं विच इज़ वाई देयर इज़ टू हायरिंग अ ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंट, तो जितना एक आंसर है उतना ही हाईलाइट करें, एक्स्ट्रा हाईलाइट करने से आई गेस मार्क्स डिडक्ट होते होंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछते हैं कि इस पैसेज में आइडिया क्या एक्सप्रेस हो रहा है। अब इसमें आप इस तरह से सोचा करें कि आपने पैसेज तो पूरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब आप देखें ऑप्शन को पढ़ें द टीम डिसाइडेड दैट इट नीडेड टू लिंक ईच इम्प्रूवमेंट टू स्पेसिफिक गोल्स। अब इसमें अगर आप इस आइडिया को पढ़ें तो इस मतलब इस जो पैसेज है इसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो इस आइडिया से एक्सप्रेस ही नहीं हो रही, मतलब इसमें बात ही वो थ्योरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कर रहा है और इसमें इस ऑप्शन में उसका ना जिक्र ही नहीं है, तो इसको तो आप डायरेक्टली क्या नाम है वो इग्नोर करेंगे कि ये आंसर नहीं हो सकता। तो अगर आपको राइट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जो कुछ ऑप्शन गलत हैं उनको पहले क्रॉस डाउन करते जाएं, इवेंचुअली आप राइट आंसर पर पहुँच सकते हैं। और जो आखिरी वाला होता है उसमें सिर्फ हमें बेस्ट टाइटल इसका सेलेक्ट करना होता है, तो उसमें आप देखें क्रिएटिंग हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़, हम अगर क्रिएटिंग हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ पे वाला टाइटल इस पर चेक करें तो इधर कहीं भी इस पैसेज के अंदर हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ की ये लोग बात ही नहीं कर रहे, तो इसके जो ऑप्शन होते हैं ना वो काफ़ी इन ऑप्शन को सेलेक्ट करना काफ़ी रिलेटिवली ईजी होता है क्योंकि वो लोग ऑप्शन ही इस तरह से देते हैं जो कि हम उसको ईजिली क्रॉस डाउन कर सकते हैं, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आएगा जो उसमें पैसेज में मेंशन किया था। अच्छा अब कॉन्वर्जेशन वाला, इस कॉन्वर्जेशन के अंदर दो क्वेश्चन आते हैं कॉन्वर्जेशन वाले, एक मोस्टली होता है कि आप किसी प्रोफेसर से बात कर रहे हैं और कभी होता है कि आप अपने किसी रिसर्च असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट से बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप इस जो जो इसमें लिखा हुआ है ना उसको ध्यान से पढ़ें और फिर उन आंसर्स को सॉल्व करें। जैसे इसमें लिखा हुआ है यू एंड योर फ्रेंड हैव रिसेंटली गॉटन पार्ट टाइम जॉब्स एज लैब असिस्टेंट्स फॉर अ प्रोफेसर, यू आर डिस्कसिंग हाउ द जॉब इज गोइंग, तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्रेंड कौन है और
हम आपको रिसेंटली पार्ट टाइम जॉब मिली है लैब असिस्टेंट, अब बस आप अपने जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आप देखें, फर्स्ट आप बात करते हुए सिर्फ अगर आप सेलेक्ट करेंगे दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, तो उसको क्रॉस डाउन कर दें, हे कम ऑन हाउ कैन आई हेल्प यू, ये भी नहीं बनता, हे हाउ इज योर थीसिस गोइंग, तो ये थीसिस के बारे में हम अब हम इसमें इन्होंने हमें कहीं बताया कि हम लोग कोई थीसिस लिख रहे हैं शाह लैब असिस्टेंट, या हाउ इज द जॉब गोइंग। तो थीसिस का अगर जिस चीज़ का आपको एविडेंस नहीं मिला हुआ ना उसके अंदर, तो आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप इधर हो सकता है आप लैब असिस्टेंट और थीसिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो शुरू में हमें कॉन्टेक्स्ट दिया है उसमें उन्होंने कहीं थीसिस मेंशन नहीं किया, तो आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। उन्होंने हमें सिर्फ बताया कि आप एज अ लैब असिस्टेंट काम कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट जॉब है, तो आप सिर्फ उसी को इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। सो योर क्लासेस आर एम गोइंग वेल, जो लास्ट वाला भी ऑप्शन देखें तो इसको भी आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको क्रॉस डाउन करते रहेंगे ना, तो इजीली आप राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते। अभी इसने बोला कि सिर्फ उसने जॉब का ना जनरल से बताया कि जॉब बहुत अच्छी जा रही है एंड वो इसको एंजॉय कर रही है। अब अगर आप इसमें लिखेंगे यस मी टू, आई डिडंट रियलाइज हाउ मच वर्क वेंट टू सेटिंग अप एक्सपेरिमेंट्स बिफोर, अब इधर कहीं भी एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र ही नहीं आया, तो इसको आप सीधा क्रॉस डाउन करें, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू एक्सपेरिमेंट टुडे, इसको भी आप नहीं कर सकते। हम दैट साउंड आर दे लुकिंग फॉर न्यू असिस्टेंट्स, दैट इज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग ऑन मोर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू। तो ये सबसे ज्यादा रेलिवेंट आप बताएं कौन सा इसमें ऑप्शन लग रहा होगा। अब इसमें इन्होंने इधर भी एक्सपेरिमेंट्स की बात की, कोई एक्सपेरिमेंट का जिक्र नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, देखें तीनों में जो भी रॉन्ग ऑप्शन है ना तीनों में एक्सपेरिमेंट का जिक्र नहीं है। अब इसमें जो एक मैंने टेक्निक सोची थी ना वो ये थी कि जब आपके पास 75 सेकेंड्स होते हैं इस कॉन्वर्जेशन को ना समराइज करने के लिए, तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना, तो होता ये कि आपके पास एक दो एक या 1.5 मिनट बच जाता है, और जब वो आप सारे आंसर दे देते हैं ना, तो आपको नज़र आ रहा होता है आपकी कॉन्वर्जेशन का सारा टेक्स्ट। तो आप एक दफ़ा उसको पढ़ लें और पहले से ही सोच लें कि जो नेक्स्ट आने वाला सेक्शन है उसमें आप क्या लिखने वाले हैं, और उसको पहले से ही आप तो प्रिपेयर कर लें कि मैंने ये वाले पॉइंट्स यूज़ करूंगा और ये चीज़ें लिखूंगा, और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मेंशन करें जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ 75 सेकेंड्स हैं और हमें सिर्फ समराइज करना है इसको, ठीक है? और इसको स्टार्ट करने से एक जैसे प्रोफेसर्स के साथ बहुत कॉन्वर्जेशन होती है कि अगर आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें होगा कि आप प्रोफेसर से बात करें, तो उसका जो स्टार्टिंग होता है ना आई हैड अ कॉन्वर्जेशन विथ माई प्रोफेसर अबाउट, तो आई हैड अ कॉन्वर्जेशन अबाउट माई प्रोफेसर आपको याद है, आप फॉरन से इसको टाइप कर लें देखते ही, आई हैड अ कॉन्वर्जेशन विथ माई प्रोफेसर अबाउट, फिर जो उन्होंने उसमें लिखा हुआ था जो फर्स्ट हमें बताया हुआ था ना कि आप लैब असिस्टेंट हैं या आप अपने प्रोफेसर स्कॉलरशिप एडवाइस लेना चाह रहे हैं या किसी करियर काउंसलिंग चाहिए आपको अपने प्रोफेसर से, तो उसके बारे में लिखते हैं अबाउट दिस, फिर आप बताएं कि आपने प्रोफेसर ने क्या बोला और फिर उसके बाद आपने क्या रिस्पॉन्स था। सिर्फ 2-3 लाइंस में आप इसको कोशिश करें समराइज करने के लिए, और सिर्फ 75 सेकेंड्स होते हैं, तो कोशिश करें अपनी टाइपिंग स्पीड आप तेज़ रखें और सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं इसके अंदर। मुझे याद है मैंने सिर्फ 3 या 4 लाइन्स ही लिखी थी, और टाइपिंग स्पीड पर अपने इसमें ज़्यादा तेज़ रखें इसमें टाइपिंग स्पीड अपनी। अच्छा अब ये जो राइटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज बिलो है इसमें हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होता है इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। अब इसमें आप कर क्या सकते हैं, इसमें तो ज़्यादा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें और ना और लोगों के आंसर्स देखें कि और लोगों ने, जैसे अभी मैं आप शेयर करूंगा कि 4 फुल प्रैक्टिस टेस्ट हैं डुओलिंगो के, आप उनकी वीडियोस देखें और साथ साथ उनको सॉल्व करें, पहले आप खुद से अपना आंसर लिखें एंड देन फिर आप वीडियो प्ले करें, फिर देखें कि वो जो उस दूसरे बंदे ने किस तरह से उसको आंसर किया है, और फिर कोशिश करें कि उसने जिस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं और किस तरह से उसने उसको आंसर किया। अब इसका भी ये होता है कि अगर आप फुल ब्लैंक ना बैठा करें, जैसे आपको क्वेश्चन नज़र आए तो फ़ौरन से ये लिखें कि दिस फोटो शोज़ अ डैश करके आगे आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, या इस कोई और इम्पोर्टेंट सेंटेंस आप पहले से याद करके जा सकते हैं, जैसे दिस इज़ अ रियली स्टनिंग फोटोग्राफ ऑफ अ, यूं कर सकते हैं, या दिस फोटो इनकॉर्पोरेट्स अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग डिटेल्स,
तो आप पहले से ना सोच के जा सकते हैं कि मुझे फर्स्ट लाइन तो ये लिखनी है। अगर आप यूँ लिखेंगे दिस फोटो इनकॉर्पोरेट्स अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग डिटेल्स, तो इवन फोटो को डिस्क्राइब करने से पहले ही आपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज कर लिए, तो इससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब 1 मिनट होता है, अब इसने इन्होंने जितना लिखा है ना बहुत मुश्किल है कि हम इतना ज्यादा लिख सकें। तो हम जितना भी आपको 1 मिनट में सोच सकते हैं, जो आपको समझ आ रहा है, और टाइप करें, और ज्यादा से ज्यादा टाइप करने की कोशिश, जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे उतना ज्यादा बेटर बेहतर। लेकिन ये भी कोशिश करें कि आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक्स ना हो और कोई सेंटेंस आप गलत ना लिखें। अच्छा, अब ये एक और राइटिंग क्वेश्चन होता है, इसमें हमारे 5 मिनट्स होते हैं। अब 5 मिनट्स के अंदर हमें बताना है कि राइट अबाउट अ टाइम व्हेन यू अचीव्ड अ पर्सनल गोल दैट यू सेट फॉर योरसेल्फ, डिस्क्राइब द स्टेप्स यू टुक टू रीच दिस गोल एंड द इमोशंस यू एक्सपीरियंस अबाउट अचीविंग इट। अच्छा, इस तरह के ये जो पैसेजेस होते हैं ना काफी कॉमन होते हैं, और इसी तरह के पैसेजेस एक्चुअल टेस्ट में भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम तो सर, इसका ना, मुझे हेलो, 1 मिनट देंगे? यस सर, जी 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 आई विल जरूर, बी गेटिंग बिजी, तो मैं जी भी जी बात कर लूँगा। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? तो माशाल्लाह सर, हुसनैन बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप कुछ पॉइंट्स तो इनसे भी देख सकते हैं। एक तो टाइपिंग स्पीड इज अ मस्ट, कि टाइपिंग स्पीड जितनी अच्छी होगी ऑब्वियसली आपको फायदा होगा। दूसरा, ये टेम्पलेट्स की बात कर रहे हैं कि आपने पहले से ही कुछ सैम्पल सेंटेंसेस सोचे हुए हैं जो आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं है, और आप शुरू में लिख सकते हैं हर चीज की। तो इस तरह की जो टिप्स होती हैं दे रियली हेल्प्स, और इन चीजों से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है और स्कोर बढ़ जाता है। तो किसी और साथी को क्वेश्चन है तो मैं एक क्वेश्चन ले सकता हूँ। एनीबॉडी न्यू, किसी का एडमिशन के बारे में, या ड्यूलिंगो के बारे में, या किसी और चीज के बारे में? चलें ठीक है सर, सर, कंटिन्यू। जी बोले, जी बोले मैम। अगर किसी का किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो सर जफर से प्लीज पूछ सकते हैं। हमारे जो सीईओ जो है, हमारे फाउंडर जो है, वो भी इस वक्त अवेलेबल है। प्लीज आप उनसे पूछिए जो भी क्वेश्चन है। थैंक यू सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी कि जैसे जी मैंने आइल्स की तैयारी शुरू की थी, बट उसका बेसिक आइडिया वगैरह लिया था, प्रॉपर अभी जो प्रैक्टिस करके नहीं की मैंने। मुझे अभी ड्यूलिंगो सूट करेगा अगर मैं उसकी तरफ आ जाऊं? ये मेरा ख्याल है सर हुसनैन मीटिंग के आखिर में डिस्कस कर लेंगे आपके साथ कि ड्यूलिंगो और आइल्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो जो मैं रफ आइडिया दे देता हूँ आपको कि आइल्स इज लिटिल मोर एक्सेप्टेड देन ड्यूलिंगो, लेकिन आइल्स की फीस ज़्यादा होती है और उसमें मार्क्स कुछ लोगों के लिए ना थोड़ा सा मसला हो जाता है। हमारा जो अभी तक एक्सपीरियंस है कि ड्यूलिंगो में मार्क्स लेना आसान है, दैट इज हाउ अवर लर्निंग हैज बीन सो फार विद डीलिंग। लेकिन हाँ, हमारे स्टूडेंट्स अमेरिका आए हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे डीलिंगो का एग्जाम करके। सर, डोलिंगो टेस्ट की फी कितनी है? चार्जेस आई थिंक इसके अराउंड कितने हैं हुसैन, बताएंगे आप एग्जैक्टली? 65 डॉलर है पाकिस्तान में, शायद 18,000 कुछ बन जाएंगे, वो टैक्स वगैरह जब लगता है। हाँ, और जो आयल्स है वो इसे 3 to 4 times एक्सपेंसिव जी, है, राइट? सर right? स्पेसिफिकली आइल्स की मैंने लाहौर के लिए फीस देखी थी, वो 62,500। Exactly, बिल्कुल। हाँ, तो ये तकरीबन मोर देन 3 times होगा। सर आई वॉन्टेड टू तो आस्क कि जी स्कॉलरशिप की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बैचलर्स के लिए भी उसी तरह वर्क करती हैं जैसे मास्टर्स के लिए करती हैं या? बैचलर के लिए स्कॉलरशिप आपने कभी देखा होगा कि पाकिस्तान में जो लोग जाते हैं स्कॉलरशिप पे नॉर्मली मास्टर के लिए जाते हैं, ये आपने ट्रेंड देखा? ये आपने ट्रेंड देखा होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा कोई बंदा बैचलर के लिए जा रहा हो, वेरी फ्यू। और बैचलर पे जो जाते हैं उनमें से सक्सेस स्टोरीज आप बहुत कम की सुनेंगे। तो बैचलर के दुनिया में स्कॉलरशिप नहीं होते, दुनिया में स्कॉलरशिप मास्टर के होते हैं। और यूएस में बैचलर करने अगर स्कॉलरशिप मिल भी रहा हो तो मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यूएस में बैचलर में सिर्फ लोकल स्टूडेंट्स होते हैं और वो पढ़ाई में इतने सीरियस नहीं होते।
जो यूएस जाना जाता है दुनिया में टेक्नोलॉजी के लिए, वो अपने मास्टर और पीएचडी के लिए जाना जाता है। तो इसलिए आप बैचलर पाकिस्तानी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लें, जहाँ पे जो घर से करीब हो, जो फीस आप इजीली कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकें, और तैयारी करें ताकि आपको बैचलर के थर्ड ईयर में एमएस पीएचडी का स्कॉलरशिप मिल जाए। दैट इज द रिकमेंडेड पाथ। वो तो आप रेकमेंड करेंगे कि स्कॉलरशिप को परस्यू थर्ड ईयर में कर लेना चाहिए या डिग्री के बाद, या कौन से ईयर में जो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा? थर्ड ईयर जी स्कॉलरशिप को परस्यू करना चाहिए बीएस के पहले दिन। बीएस के पहले दिन अगर आप मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुने तो आपको पता चल जाएगा कि बीएस के पहले दिन से क्या करना है। जिस बंदे ने ओलंपिक्स में जाना होता है ना, वो सालों पहले तैयारी शुरू कर चुका होता है। तो आप बीएस के पहले दिन से जितने लेट हो जाएंगे, आप स्कॉलरशिप से उतना दूर होते जाएंगे। तो बाय थर्ड ईयर आपकी जो स्किल है वो इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आप गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू क्लियर कर सकें एट द एंड ऑफ 6th सेमेस्टर, और उसके बाद आइल्स करें और फिर स्कॉलरशिप ले लें। तो इससे आप जितना लेट करते हैं, आप खुद ही अपने आप को लेट कर रहे हैं। इससे आप लेट इसीलिए होंगे अगर आपकी तैयारी नहीं होती। थैंक यू। चले सर, कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सर फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू। अच्छा, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हाँ, जी जी हो रही है। ओके भाई। अच्छा, हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? तो सही है। अच्छा, अब हम राइटिंग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अब इस राइटिंग क्वेश्चन के बारे में, जैसे मैंने कहा कि आप ना ऑल जो इसके इंटरनेट पर अगर आप सर्च करेंगे ना, तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इनके रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल रिस्पॉन्सेज को आप रीड करेंगे ना, आपकी उतनी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो और लोगों के रिस्पॉन्सेज को पढ़ें, आप देखें उन्होंने किस तरह के वर्ड्स वगैरह यूज़ किए हैं, और एक टेम्पलेट बना लें आप अपना कि मुझे जब मैं मेरे पास इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको इस तरह से स्टार्ट करूंगा, जैसे टू बिगिन विद और फर्दर मोर, मोर ओवर, हाउ एवर, टू कंक्लूड, टू रैप अप। तो इस तरह के फ्रेजेस ना आपको फिंगर टिप, आपकी फिंगर टिप्स में होने चाहिए, और उन वर्ड्स को आप इसमें यूज़ करें। और कोई एक ना एक वीडियो भी है जिसमें ना, वो मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस किए हुए हैं, जिससे आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, और अगर आप उन वर्ड्स को अपने इस राइटिंग सैम्पल में यूज़ करेंगे तो इससे आपका स्कोर काफ़ी इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसकी आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के सैंपल्स पढ़ने से आपको ज़्यादा फायदा होगा, इंस्टेड कि आप खुद ही अपने रिस्पॉन्सेस लिखता रहें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें। जित आप और लोगों के सैंपल्स पढ़ें, देन फिर आप प्रैक्टिस टेस्ट दें, खुद से रिस्पॉन्स लिखें, फिर और लोगों के पढ़ें, एंड अपने आप मैच करें कि उन्होंने क्या चीज़ यूज़ की जो आपके पैसेज में मिसिंग है। इससे फिर आप काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर दिस कि जब आप इसके रिस्पॉन्सेज देखेंगे तो उसमें एक टॉप एक एक्चुअल राइटिंग सैंपल होगा, इसका फॉलो अप रिस्पॉन्स भी होगा, तो आप और लोगों के फॉलो अप रिस्पॉन्सेज देखेंगे तो वो ज़्यादातर इसी तरह स्टार्ट होते हैं, ऑल दो हाउ एवर करके ना, और उसको क्या नाम है, वो समराइज करते हैं। एंड इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करें, और इसको ना पैराग्राफ से ब्रेक करें कि अगर कोई आपका पैसेज पढ़े तो उसको पता हो कि ये प्लान पैराग्राफ है, ये कुछ एडहॉक पैराग्राफ है, कि आप सोच भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। आप इसका एक फॉर्मेट होता है, अगर आप वीडियोस वगैरह देखेंगे ना राइटिंग सैंपल की, तो उसमें वो बताते हैं कि स्टार्ट में आप थोड़ा सा एक टॉपिक सेंटेंस अपना बताएं, टॉपिक सेंटेंस बताने के बाद आप एक अपनी एग्जांपल दें, एंड एग्जांपल देने के बाद उसको आप दो तीन एग्जांपल्स, अच्छी बात है कि आप एक दो तीन एग्जांपल्स दें, और हर को ना एक एक पैराग्राफ में बनाएं, फिर आप एक कंक्लूजन लिखें। तीन पैराग्राफ बहुत हैं इसके अंदर, एंड 5 मिनट्स में आप इतना ही लिख सकते हैं अगर, लेकिन अगर आप प्लान करके जाएंगे तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं इसमें। सेम गोज़ फॉर दिस कि जो स्पीकिंग सैंपल होता है, स्पीकिंग सैंपल थोड़ा कम फॉर्मल होता है, तो इसमें आप इजीली बात कर सकते हैं। अगर आप और लोगों के स्पीकिंग सैंपल्स देखेंगे, और इसमें भी आप वो जिस तरह से मैंने बताया कि आप अपना टेम्पलेट बता सकते हैं कि मैं क्या नाम है, इसको इस तरह से
आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए, मे बी ड्यू टू इंटरनेट, हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे। सर स्नैन, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। आपका माइक ओपन है बट आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। आई थिंक इंटरनेट इशू। और इसमें भी जैसे 90 सेकेंड्स है तो कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम तक आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्यूज मी थिएटर का सर, पूछ रहे हैं, जल्दी बंद नहीं करना। जी एक्सक्यूज मी सर, जी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, अब सही है, ये सर अभी आपकी मेरी आवाज आवाज़ आ सही रही आ है, रही है? स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हो रही। अच्छा, मैं दोबारा शुरू करता हूँ। अब मेरी स्क्रीन विजिबल यस सर, अब सर है। तो स्पीकिंग के बारे में जी बताया था कि इसका भी आप स्टार्टिंग अपना सेंटेंस सोच सकते हैं कि मुझे इस सेंटेंस से स्टार्ट करना है, और इसके बहुत सिमिलरली जो प्रॉम्प्ट्स आपको रिजल्ट में आते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से सिमिलरली ही होते हैं ताकि सबकी फेयर मार्किंग हो सके, तो आप इजीली उन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये इसी तरह स्पीक अबाउट द इमेज के बारे में आप यूज़ करते हैं। इसमें ना आप इमेज के बारे में जब आप बात करना शुरू करें तो आप ना ओवरऑल बता सकते हैं कि इस इमेज के बारे में कि इन दिस इमेज आई या इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, दिस फोटो शोज थ्री पीपल हु आर स्टैंडिंग इन अ ट्रेन एंड इट सीम्स, इस तरह से इट सीम्स वाला वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, एंड पोटेंशियली एंड मे बी, तो क्योंकि हमें एक्चुअल तो नहीं पता ना कि इसमें क्या हो रहा है, तो जो भी हम फोटो से हमें हल्का हल्का हिंट्स मिल रही हैं हम उस बारे में बात कर सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं इट सीम्स दिस फोटो वॉज टेकन इन अ ब्रॉड डे लाइट एज वी कैन सी दैट द सन इज शाइन द देयर इज लाइट ऑन द पीपल, कुछ इस तरह से आप जितना जो भी आप वर्ड्स आपके जहन में आ रहे हैं उनको आप कोशिश करें कि आप बोलें, एंड फिर आप उसकी डिटेल्स में जा सकते हैं कि देर आर टू पीपल हु आर ऑन द लेफ्ट ऑफ द इमेज हु आर स्टैंडिंग एंड देर आर टू पीपल हु आर ऑन द राइट हु आर सिटिंग, तो जितना भी आप तो और इसके भी वही मैं कहूँगा कि आप जब और लोगों के रिस्पॉन्सेज देखेंगे ना तब आपकी ज़्यादा तैयारी होगी कि और लोगों ने इसको किस तरह से आंसर किया है, और उन लोगों के आंसर जब आप देखेंगे तभी आप इम्प्रूव कर सकेंगे। सिमिलरली ये स्पीकिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अंदर ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं आप उनको आंसर करें, कि जब आपने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देंगे आप, देन फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करेंगे, देन फिर आप सेकंड क्वेश्चन को आंसर करेंगे, देन फिर आप थर्ड क्वेश्चन को आंसर करेंगे, एंड अगर कैसे 90 सेकेंड्स होते हैं तो कोशिश कीजिए करें कि हर एक क्वेश्चन को ना आप प्रॉपर टाइम दें। तो ये सिमिलर एक राइटिंग सैम्पल होता है, स्पीकिंग सैम्पल होता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होता है कि इसके मार्क्स भी ऐड होते हैं, एंड ये जो राइटिंग सैम्पल होता है ये जो जिस जिस भी हम स्कूल को अपना स्कोर भेजेंगे तो उनको उनके पास ये राइटिंग सैम्पल भी जाएगा और ये स्पीकिंग सैम्पल भी जाएगा, तो इसकी भी आप सिमिलरली सेम प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसमें आपकी स्क्रीन भी ये रिकॉर्ड हो रही होती है एंड ये फिर आपकी वीडियो भी और ये स्कूल्स को सबमिट होती है। अब ये वॉक थ्रू था एंड अच्छा, अब प्रिपरेशन के लिए जो मैंने स्लाइड आपको वीडियो शेयर करा था ये इसकी वॉक थ्रू है डुओलिंगो की। इसके अलावा डुओलिंगो के ना 4 फुल टेस्ट हैं, ये एक फेमस चैनल है, ज़्यादातर लोग इधर से प्रिपरेशन है टीचर ल्यूक का, तो यहाँ पर इन्होंने ना नए फॉर्मेट में 4 कंप्लीट फुल प्रैक्टिस टेस्ट डाले हैं, तो वो 4 प्रैक्टिस टेस्ट तो आप लाजमी देखें और उन प्रैक्टिस टेस्ट को सिर्फ देखें नहीं तो साथ साथ सॉल्व भी करें, कि जो उसने आप वीडियो स्टार्ट कर दें एंड जितना टाइम, क्योंकि उसने आप वीडियो को आगे वगैरह नहीं किया हुआ तो बस आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं एंड खुद से आप अपने एक पेन कॉपी ले लें या साइट में टैब खोलें, नोट पैड खोलें और उस पर आंसर्स लिखें अपने, एंड फिर वो बाद में आपको आंसर भी बता देता है कि आपने एक्चुअल आंसर ठीक किया या गलत किया,
तो ये बहुत अच्छा होता है अगर इवन आप डुओलिंगो का प्रैक्टिस टेस्ट डायरेक्टली अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपको आंसर्स नहीं पता चलते। इसकी अच्छी बात यह कि आपको आंसर्स पता चलते रहेंगे तो आपको खुद शॉर्टकमिंग्स पता चलेंगी कि आप कहाँ वीक हैं एंड देन फिर आप उस जगह पर इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा टेस्ट डे के लिए सर, प्रिपेयर जी बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं सर। एक जो क्वेश्चन है वो काफी रिपीट हो रहा है, जिसमें ये स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि वॉयल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या वो ड्यूलिंगो की तरफ स्विच करते हैं। सर मैं नहीं इसमें नहीं इनपुट देना नहीं नहीं अगर चाहूंगा, आप फिर आइल्स कर रहे हैं आप इसमें थोड़ा चलें आप सा, दे तो दें। मैं हाँ इसमें आप ये पहले कह दे रहा दें। कि आप इस एग्जांपल इस तरीके से कि आपके शहर में एक दुकान है या आपके घर के पास एक दुकान है जिससे आप रोजाना जो है वो सामान खरीदते हैं, लेकिन यह कि कुछ दिन बाद जो है वहाँ पे एक और दुकान खरीद ओपन होती है और लोग जो है उससे भी चीज़ें खरीदना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब यह कि आप फौरन तो उस दुकान पे स्विच नहीं कर जाएंगे ना, आप जो जिस दुकान से पहले आप ले रहे हैं उसी से आप जो है चीज़ें कंटिन्यू ले, क्योंकि उसके साथ आपका एक ट्रस्ट है, वाइडली एक्सेप्टेबल है। और इस तरीके से तो आइल्स जो है वो वाइडली एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया में, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो कहे कि नहीं हम आइल्स के स्कोर को नहीं मानते। तो ड्यूलिंगो का केस ऐसा है कि ये अभी न्यू एक शॉप ओपन हुई है, इसकी एग्जाम्पल आप इस तरीके से कह सकते हैं, तो ये एक न्यू टेस्ट है और आहिस्ते आहिस्ते इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। और बस सिंपल सी इसमें एक चीज़ जो है वो वेटेज फैक्टर आप ये रख सकते हैं कि अगर आपके पास, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आइल्स तो आप डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि आइल्स का कोई जो है वो कंपेटिटर सच नहीं है कि हम कहें कि यार आइल्स के अलावा कोई और ऐसा टेस्ट हम दे दें। लेकिन यह कि अगर आप नहीं प्रॉपरली अफोर्ड कर सकते तो आप ड्यूलिंगो भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी जो यूएस की यूनिवर्सिटीज जो हम टारगेट करते हैं, जो आप टारगेट करेंगे उनमें एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन यह कि एक ये फैक्टर है और उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं। और आई वुड लाइक कि सर हसनैन इस पर मजीद कुछ बोल रोशनी डालें। यस सर हसनैन, आप इसके बारे में क्या कहें? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं। सर हसन आप ऑडिबल नहीं। आई थिंक ही इज डिसकनेक्टेड। तो जी सर सिकंदर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो प्लीज कंटिन्यू करें जब तक वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर लेते, या मे बी उनके एंड पे कोई इश्यू बन गया जिसकी वजह से बोल नहीं ठीक पा है सर, रहे। ठीक है ऑफिसर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। जब तक तो सर नहीं आते तो मुझे बताएगा मेरी साथ आवाज मीटिंग क्लियर? ज्वाइन की है बट उनका माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आई गेस माइक उनका काम नहीं कर रहा। जी वो जब डिस्कनेक्ट होते हैं या इंटरनेट का इशू रहता है तो फिर ऐसे हो जाता है। हेलो मेरी आवाज़ आ रही? यस सर अब आ रही। जी सर, जी जी सर आप अच्छा वो जो क्वेश्चन था कि आइल्स देना चाहिए ड्यूलिंगो देना चाहिए, तो इसमें इन टेस्ट में कोई मसला नहीं है, आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। तो इसमें आपकी अपनी प्रेफरेंस है। ड्यूलिंगो का ये है कि वो यूएस में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में एक्सेप्टेड है, यूरोप में आई गेस इतना शायद ना हो। असल में ये CMU के ही प्रोफेसर हैं, उनका ही स्टार्टअप है ड्यूलिंगो, और उन्होंने ये जो ड्यूलिंगो कंपनी स्टार्ट की थी और उसका ये ड्यूलिंगो इंग्लिश टेस्ट है। तो अभी इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, लेकिन यूएस के मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में जो बड़े बड़े इवन आईवी लीग्स तक इसको एक्सेप्ट करती हैं, एंड काफ़ी लोगों का इसकी ड्यूलिंगो देना देने की वजह ये है कि एक तो इसको आप किसी सेंटर नहीं जाना पड़ता आपको इस टेस्ट को देने के लिए, एंड आप घर से इसको टेस्ट को दे सकते हैं, और काफ़ी ये चीपर है एज़ कम्पेयर टू अदर टेस्ट। एंड जैसा आपको पता आइल्स भी हो या टोफल हो, वो 2 साल बाद एक्सपायर हो जाता है, एंड देन आप फिर दोबारा उसकी फ़ी पे करें और फिर वो टेस्ट दें, फिर वो 2 साल एक्सपायर हो जाए, फिर फी पी करें, फिर टेस्ट दें। ड्यूलिंगो का फ़ायदा ये कि बहुत एक तो वैसे ही चीपर है ये, और आप इसको घर से टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट रिजल्ट का आपको वेट भी नहीं करना पड़ता। तो कुछ इसके प्रोस हैं कौन से, लेकिन आप अगर आइल्स दे रहे हैं और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखें और ज़रूर दें आइल्स, क्योंकि इसका मतलब इतना इसका मसला नहीं होता ड्यूलिंगो का या आइल्स का, क्योंकि इनका मेन पर्पज़ ये होता है कि आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी शो करें कि आप इंग्लिश में काम कर सकते हैं, और ये वीज़ा यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के लिए सिर्फ यहीं पर यूज़ होता है ये। तो इसलिए इसका कोई इशू नहीं है, आप किसी भी टेस्ट को परसू कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। अच्छा ठीक है, अब मैं दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ।
और लाइक तो बस मैं टेस्ट डे की प्रिपरेशन के बारे में बता रहा था कि आपको पहले टेस्ट फॉर्मेट का पता हो। जैसे अभी हमने वॉक थ्रू वीडियो देखी तो हमें सारे क्वेश्चंस का पता चल गया कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। और इंटरनेट का आपने ख्याल रखें आप, और एक प्राइवेट डिस्ट्रक्शन फ्री टेस्टिंग एनवायरमेंट हो आपका। वो इसलिए कि काफ़ी लोग, मैंने रेडिट पर पढ़ा था कि काफ़ी लोगों के पास ना कंप्लेंट्स करते हैं लोग कि वो उनका डुओलिंगो का टेस्ट सर्टिफाई नहीं होता। अब डुओलिंगो जैसे आप घर पर दे रहे हैं तो घर पर देने में काफ़ी इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं, काफ़ी लोग चीटिंग कर सकते हैं। तो इनका जो AI प्रॉक्टर है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। जब आप ड्यूरिंगो की एप्लीकेशन पहले आप अपने पास डाउनलोड करेंगे, अपना उसमें अकाउंट साइन करेंगे और टेस्ट स्टार्ट करेंगे, टेस्ट स्टार्ट करने के बाद आप जो ड्यूरिंगो होगा ना वो आपकी सारी एप्लीकेशंस बंद कर देगा आपके लैपटॉप के अंदर एक्सेप्ट ड्यूरिंगो, एंड आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, आपका माइक्रोफोन ओपन रहेगा पूरा टाइम। तो इवन हो जाएगा कोई पीछे खड़े हो कि आपको कुछ बता भी रहा तो उसकी आवाज़ भी उसमें आ जाएगी, तो माइक्रोफोन पूरा टाइम ओपन रहता है, आपका स्पीकर एंड कैमरा एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो सब कुछ चल रहा होता है। काफ़ी स्ट्रिक्टली प्रॉक्टर करते हैं ये। अगर आप थोड़ी से भी टाइम के लिए मूव होते हैं या कहीं इधर उधर देखते हैं या इवन कोई पीछे से आपके पास गुजरता भी है तो वो टेस्ट सर्टिफाई नहीं करते, और इस चीज़ में वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं डुओलिंगो वाले। तो इसलिए आप पहले से ही कोशिश करें कि इस बारे में प्रिपेयर्ड रहें, और आप सब घर वालों को बता दें कि आप टेस्ट देने वाले हैं, कमरा बिल्कुल बंद कर दें, और बिल्कुल आपका जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट हो वो बिल्कुल ठीक हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो उसके अंदर, कि पूरा जो 1 घंटे का टाइम होगा उसमें आपकी जो आंखें हैं वो सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन पर हो और कहीं ना जाए। तो इसका ख्याल रखिएगा। गाइडलाइंस वगैरह ये जो हैं ये मैंने बता दिया आप लोगों को गाइडलाइंस, और अपना ना आप CNIC साथ रखें कि जब आप टेस्ट के दे रहे होंगे ना तो आपको अपना CNIC की पिक्चर, जो आपका लैपटॉप का कैमरा होगा उससे आपका फ्रंट की पिक्चर लेगा, बैक की पिक्चर लेगा, और फिर आपका जो नेम है वो वही नेम होना चाहिए जो CNIC पर है, वो दोनों नेम मैच करने चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा, वरना फिर सर्टिफिकेशन में इशू हो जाता है। वही टेस्ट डे सेटअप के लिए यही कि आपकी जो बहुत जो इसके टेस्टिंग रूल्स हैं कि आपका जो हेडफोन्स नहीं लगा सकते आप, तो आपका लैपटॉप का स्पीकर यूज़ होगा, आपका एयर और फेस अनकवर्ड होना चाहिए, और प्रॉक्टर आपके देख सके क्योंकि आपकी स्क्रीन ना रिकॉर्ड हो रही होती है। फिर जो 2 दिन का टाइम होता है ना तो उसमें होता है ये कि जो डुओलिंगो का स्टाफ होता है वो फिर वो रिकॉर्डिंग देखता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और उसमें उसको नज़र आ रहा होता है और आवाज़ भी उसको आ रही होती है कि आपका पूरा का पूरा टेस्ट, एक तो AI से भी वो प्रॉक्टर कर रहे होते हैं रियल टाइम में भी, एंड देन एक ह्यूमन इवेल्यूएशन भी होती है, तो 2 दफ़ा इसकी इवेल्यूएशन हो रही होती है। तो आप डिवाइस की स्क्रीन पर देखें, आपके आसपास मोबाइल ना हो क्या नज़र आ रहा होगा, मोबाइल में आपने कुछ देखा है या नीचे देखा है इवन, तो उनको अगर आप नीचे देखे होंगे कहीं तो उनको लगेगा मोबाइल में देख रहे हैं। तो इन चीज़ों का बहुत प्लीज़ ख्याल रखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनका टेस्ट सर्टिफाई नहीं हुआ। विंडो आप डुओलिंगो की खोल के रखेंगे, किसी और विंडो पर आप शिफ्ट नहीं करेंगे, और नोट्स वगैरह से देख के नहीं पढ़ेगा, आपने दीवार पर लगा दिए टेम्पलेट्स के, मैं ये वाले टेम्पलेट देख के पढ़ लूंगा, तो उनको वो AI जो है उनका वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि आप देख कर पढ़ रहे हैं या आप खुद से पढ़ रहे हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। अब वही बताया था कि 1 आवर लगता है इसको कंप्लीट करने में, 5 मिनट में आपका सेटअप होगा, अच्छा 45 मिनट्स सर, का आई हैव इलेक्ट्रिक टेस्ट है क्वेश्चन। जी। अगर फॉर एग्जांपल हमारी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है और टाइपिंग में हम इतने अच्छे भी नहीं है कि अगर कीबोर्ड की तरफ ना देखें तो टाइप कर सकें, नहीं, कीबोर्ड में तो आप देख सकते हैं, ये नहीं कि आप स्क्रीन में, जब आप लिख रहे होंगे ना तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड में, उसका इशू नहीं है, कीबोर्ड पर देख सकते हैं, सही है, कीबोर्ड पर स्क्रीन पर ओके सिर्फ, हाँ देख सकते हैं। और मैं ये बता रहा था कि जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट होता है तो उसके रिजल्ट्स आपके एक्चुअल रिजल्ट से काफ़ी मैच करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट से ना अपना अच्छा एस्टिमेट मिल जाता है कि आपने प्रैक्टिस टेस्ट में क्या स्कोर किया है, एक्चुअल रिजल्ट में आपका क्या है। बस चले, अब आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन से तो बताएं। सर, मेरा मेरे एक क्वेश्चन है क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं तो जी। इसपे मुझे थोड़ा मसला है कि 2 या 3 4 बाकी मुझे भी मसला नहीं है पूरी टेस्ट में, क्योंकि मॉक टेस्ट सर वाले आप, आपकी आवाज आपकी क्लियर नहीं आवाज है। या तो आप टाइप कर लें, ओके, जब तक वो टाइप करते हैं किसी और पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सलाम सर, वालेकुम मेरा एक सर। क्वेश्चन है, सुने, ओ वालेकुम सलाम। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर हम US में अप्लाई कर रहे हैं PhD के लिए तो जी ड्यूलिंगो कब तक दे दें, उसके लिए क्या टाइम लाइन होनी चाहिए? शायद आईकोड गुड में जो टाइमलाइन वो है कि आप 1 अगस्त से पहले पहले दें, जितना ज़्यादा जल्दी देंगे उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि अगर आप अभी से ड्यूलिंगो दे देंगे तो आप अपनी बाकी चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूलिंगो आपका एक साइड में हो गया, देन फिर अपना CV पर, SOP पर
और उन चीज़ों पर टाइम लगा सकते हैं, करियर सर्विसेज के चैनल में जाके अपनी CV और SOP और PS वगैरह रिव्यू करवा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा जल्दी दें बेहतर है। 1 अगस्त की डेडलाइन रखें कि उससे आप पहले दे दें, क्योंकि उसके बाद फिर आप प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर एडमिशन के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा ये पूछना है कि आपने आइलेट्स के ऊपर डीओ को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दी और आपने डीओ का टेस्ट ही क्यों दिया? एक्चुअली मैं पहले प्रिपेयर कर रहा था आइल्स के लिए, लेकिन देन फिर उसमें कुछ ज़्यादा ना मुझे थोड़ा टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं था प्रिपरेशन के लिए। जो आइल्स होता है ना, वो स्पेसिफिकली उसके लिए थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए होती है आपको आइल्स में अच्छा बैंड लाने के लिए। लेकिन ड्यूलिंगो इन्होंने जो टेस्ट जिस तरह से डिज़ाइन किया है ना, वो ऐसे कि ऐसा टेस्ट है जिसके लिए आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। इवन इसमें आप इस तरह के क्वेश्चन है कि इसमें आप ज़्यादा प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। तो वो ये है कि आप सिर्फ 2-3 दिन इसकी कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देख कर ना ये टेस्ट इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ सम टाइम कॉन्स्टेंट्स मैंने इसकी वजह से आइट्स नहीं दिया। गॉट इट। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट जिसने अभी ही आईएलटीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की हो और अभी इक्वल टू उसको आप क्या सजेस्ट करते हैं, डीओ या आईएलटीएस? देखें हर स्टूडेंट को ना अपना पता होता है। आप इवन आइल्स का मॉक टेस्ट दें, ठीक है, एंड आप देखें कि उसने उस मॉक टेस्ट में आपने क्या स्कोर किया है, और आप देखें कि आइल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए इजी है। और फिर आप डुओलिंगो का एक प्रैक्टिस टेस्ट दे दें, वो बहुत छोटा 1 घंटे का प्रैक्टिस टेस्ट होता है, और देखें उसमें आप क्या स्कोर करें। अगर आपको लगता है कि आप डुओलिंगो में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, देन आप डेफिनेटली, और एंड अगर आपकी जो डेस्टिनेशन है वो US है, तो US में मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट करते हैं, तो US में आपको कहीं इस तरह का मसला नहीं आएगा। क्योंकि आप शायद मैंने एक लिंक भी शेयर किया था, तो उसमें लिखे हुए इंस्टीट्यूशंस, तो सारे मेजर इंस्टीट्यूशंस में ना डुओलिंगो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। तो US में आपको इस तरह का इशू नहीं आएगा कि आपने डुओलिंगो दिया तो आपको एडमिशन में मसला हो। हाँ, यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अभी तक डुओलिंगो को एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ पे आप ज़रूरी आइट्स लिखा, अगर आपकी डेस्टिनेशन US है तो आप दे सकते हैं डुओलिंगो, एंड डुओलिंगो इज़ कंपेरेटिवली ईजियर देन आइट्स। थैंक यू सो मच सर, टोटली गॉट योर पॉइंट। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा जस्ट ये है कि आपके मॉक टेस्ट जो आपने प्रैक्टिस किए थे और जो आपने रियल टेस्ट दिया उसके डिफिकल्टी लेवल में कितना को डिफरेंस था? यार जो राइटिंग और रीडिंग वाले थे ना, तो उनके जो प्रॉम्प्ट्स थे वो सिमिलर ही थे, लेकिन वो जो पैसेज था ना, तो पैसेज वाले थोड़े मुझे डिफिकल्ट लगे थे। वो जो रीडिंग पैसेज के अंदर हमें कंप्लीट करना होता है वर्ड्स को, रीड एंड कंप्लीट। सेंटेंसेस वाले भी इजी थे और बाकी फर्स्ट सेक्शन भी इजी था, लेकिन जो वो वाले थे पैसेजेस थे उसमें वो थोड़े से डिफिकल्ट थे। एक्सक्यूज मी सर, मेरी नोटेड आवाज़ सर, अभी आ रही थैंक है? यू। जी अब जी, आ रही है। अच्छा सर, मेरे क्वेश्चन भी यही फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में था कि मैं जब मॉक टेस्ट देता हूँ तो उसमें स्कोर मेरा 125 to 135 स्केल पे आ जाता है, लेकिन सही, मुझे जो लगता है कि ये 130 से 140 तक नहीं जा रहा है, ये इसी वजह से कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो ऑप्शंस है वो मुझे थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो इसको इम्प्रूव कैसे करें? आपके पास कोई स्टडी मटेरियल हो या कोई टिप्स जो आप देना चाहेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ना एक 1 आवर की वीडियो है, जो मैंने चैनल का लिंक शेयर किया था ना ल्यूक का, तो इसकी आप अगर आप देखें, आपको पता चल गया कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आप डायरेक्टली अपने से वीकनेस पर आप टाइम लगा सकते हैं। तो अगर हम इनके चैनल पर जाएंगे ना, तो एक इन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें 100 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हैं। आप उन्हीं क्वेश्चन को उनको उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, साथ साथ तो आपको आंसर्स भी नज़र आते रहेंगे। जब आपको आंसर्स नज़र आएंगे ना, तो प्रैक्टिस से ये इजीली आप इसको कवर कर लेंगे, और इतने मुश्किल नहीं होते। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा सर, वो YouTube चैनल का क्या नाम था आप प्लीज़ ज़रा दोबारा बताइए। टीचर टीचर ल्यूक ओके इसका सर, लिंक सर आप ये लिंक स्लैक में डाल सकते हैं। जी, श्योर, स्लैक में भेज दो। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ऑडिबल क्वेश्चन करूँ सर? यस यस सर मैंने आइट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन सर उसमें मेरे लिसनिंग में या रीडिंग में 6 6.5 बैंड आते हैं, यानी कि मेजोरिटी में थोड़ा इंग्लिश में एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो सर सही। अंदाजे मुझे एक ड्यूलिंगो का टेस्ट प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा? अगर अब इसको टारगेट देखिए, करें तो अगर क्या पॉसिबल है आपके एटलीस्ट आइल्स में 6 6.5 आ रहे हैं ना, देखें डुओलिंगो में आप अगर 2 महीने भी प्रिपरेशन कर लेंगे ना, तो इतना वो इनफ नहीं होता, क्योंकि वो जिस तरह से वो क्वेश्चंस असेस कर रहा होता है, जितना कम टाइम होता है ना, तो उसमें ये प्रिपरेशन वाला टेस्ट नहीं, तो ये
जैसे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है, तो स्पीकिंग इम्प्रूव करने में आपको मतलब 1-1.5 साल लगता है स्पीकिंग इम्प्रूव करने में। तो इसमें ना आप सिर्फ कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज को ही यूज़ करके इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने अच्छा से स्कोर करना है तो 1 वीक भी इनफ है इसकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप डेडिकेटेडली इसकी वीडियोज़ देखें, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज यूज़ करें और प्रैक्टिस टेस्ट दें, तो 1 वीक भी इनफ है इसकी प्रिपरेशन के लिए। सर अच्छा, हमारे पास अब 1 मिनट है, अगर किसी और का भी क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से पूछ लें, क्योंकि 58 मिनट्स पे हमें सेशन एंड करना है। मेरा एक क्वेश्चन था, आई डोंट नो इफ यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस और नॉट, बट मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, कि आइल्ट्स वर्सेस डुओलिंगो इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंसेस और इजी या फिर लोअर कॉस्ट, क्या प्रेफर करना चाहिए? देखिए, लोअर कॉस्ट का तो है ऑप्शन कि काफ़ी मच चीपर है डुओलिंगो ना एज़ कम्पेयर टू आइट्स, एंड ऑल्सो ईजी भी बहुत है कि डुओलिंगो के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आइट्स के लिए आपको अच्छी खासी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट अ गुड स्कोर, बट फॉर डुओलिंगो आप अगर 1 वीक भी डेडिकेटेडली इस पे प्रिपरेशन करेंगे देन यू कैन ईजिली अचीव अ गुड स्कोर। एंड एक्सेप्टेंस की बात है जहाँ तक, तो यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन यूएस में मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में एक्सेप्टेड है डुओलिंगो, एंड वीज़ा के अंदर यस भी कुछ इशू नहीं होते हैं क्योंकि जो सर, डुओलिंगो है वो यूएस की ही कंपनी है। जी, ऑलराइट, और थैंक दूसरा यू। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, हमारा टाइम जो है सेशन का सर वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स ओके, फॉर ज्वाइनिंग, आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन किया ये, और काफ़ी कुछ हमें सीखने मिला आपसे, और इंशाल्लाह अब हमारा स्कोर भी इम्प्रूव होगा जैसे आपने टिप्स दी हमें। और फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग स्लैक पे पूछ सकते हैं, तो हम सब वहाँ पे अवेलेबल हैं। जो आपका पहले मैसेज देखा देखेगा आपको रिस्पॉन्स कर देगा। तो थैंक यू एंड थैंक थैंक यू यू सर, सो मच सर। थैंक यू, जी, अल्लाह ओवर टू द हाफिज। होस्ट। थैंक यू ऑल फॉर द पार्टिसिपेशन, और इंशाल्लाह आप फिर अपने फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वो हमें स्लैक में सेंड करें, एंड हम वहां पे आपको रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू ऑल। जो